कांग्रेस में मान मनुहार जारी है। भाटी सकुरलाई ने मतभेद मिटाने का संदेश दिया। रूठों को मनाते हुए भाटी बोले कि मैंने गलतियां की है, मुझे माफ़ करें, मैंने कभी बगावत नहीं की, अभी भी पार्टी के साथ सुकरलाई है। पाली शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी व कार्यकर्ता की आवश्यक बैठक कांग्रेस भवन पाली में ब्लॉक अध्यक्ष जीवराज बोराणा के नेतृत्व में आयोजित की गई। मीटिंग का उद्देश्य सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को एक साथ मिलकर पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर राहुल गांधी और अशोक गहलोत के हाथ को मजबूत करना है। मीटिंग में रूठे हुए पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को मनाकर एकजुट करते हुए नजर आए। मीटिंग में आए भीमराज भाटी ने 2018 में पाली विधानसभा कांग्रेस के उम्मीदवार रहे किसान नेता महावीर सिंह सुकरलाई को माला पहनाते हुए बोले कि मैंने जो भी गलतियाँ की है मुझे माफ़ कर देना। तो वो वही सुकरलाई ने कहा कि मैंने कभी बगावत नहीं की, मैं अभी पार्टी के साथ हूं। उसके बाद सभी जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक साथ रहकर पार्टी के उम्मीदवार भीमराज भाटी को जिताकर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प किया। इसके बाद सुकरलाई ने भाकरीवाला गांव में भाटी के समर्थन में मीटिंग लेते हुए लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए भाटी को जिताने की अपील की। पिछले कई समय गलतियां भी करी, वो मैंने सार्वजनिक रूप से जब ये अशोक जी गहलोत साहब म्युनिसिपलिटी के चुनाव आए थे तब मैंने कहा भी था कि मैंने गलतियां करी है, पर बहुत सी जरूरत आई जो कांग्रेस फैसला करती है वो फैसला सही है, मेरे को नहीं समझ में आया तो मैंने बेवकूफ़ी समझो या मेरे दिल की हवा समझो मेरे को जिन्होंने साथ दिया कांग्रेस के अलावा जब मैं चुनाव लड़ा उन्होंने साथ दिया उनका मैं अड्डे से आभारी हूँ, लेकिन उनकी जितनी इज्जत करता हूँ उससे भी ज़्यादा इज्जत जो मेरे मैं जब निर्दलीय चुनाव लड़ा और जो कांग्रेस के साथ रहे अजीत भाई उसका जीता जागता उदाहरण है। मैं कांग्रेस से जब भी चुनाव लड़ा अजीत भाई के ऊपर भी बहुत प्रेशर आया लेकिन इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के आदमी कांग्रेस की सेवा करूँगा। मेरे छोटे भाई ने इनको इनके इलाके के लिए बूथ के लिए कुछ और इलाके के लिए कभी बूथ के खर्चे के दो दो पैसे है जिसको दिलाना जिसको दिला इन्होंने कहा मैं न तो मैं लूँगा पैसा और न किसी को दिलाऊंगा। और मैं भी जिन्होंने मैं निर्दलीय लड़ा और मेरा साथ नहीं दिया लेकिन कांग्रेस का साथ दिया उन लोगों की मैं आज भी इतनी इज्जत करता हूँ। आदमी वही असली कांग्रेस है। मैं तो मान लो भावुकता में आके मैंने कुछ भी गलत काम कर दिया या कुछ भी निर्दलीय चुनाव लड़ लिया लेकिन वो लोग सच्चे कांग्रेसी है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भीमराज भाटी से अपनी कितनी भी मोहब्बत है भीमराज भाटी कोई भी है लेकिन अपने को तो कांग्रेस के साथ रहा, वो तो कांग्रेस के साथ रहा, मेरे चुनाव में मेरे साथ नहीं आया उसकी भी मैं दिल खोल के और पूरी मेरे दिल से इज्जत करता हूँ और इसीलिए मैं जिंदा हूँ। मैंने कभी ये काम नहीं किया कि कांग्रेस में रह के बैठे थे यहाँ चुनाव लड़ा नंबर चुनाव लेकिन लोकसभा का चुनाव हो विधानसभा का चुनाव हो मैंने कभी कांग्रेस में रह के कांग्रेस की कमर खोलने की और वो जो इशारा होता है पकड़ युद्ध निकल ये काम मैंने कभी नहीं किया सिर्फ इसीलिए मैं जिंदा हूँ कांग्रेस में रहना और कांग्रेस में ही हूँ इसलिए मैं जिंदा हूँ। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा सोच गलत हो सकता है मेरी बात गलत हो सकती है लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ ये जो पांच स्टेट के चुनाव है इन पांच स्टेट के चुनाव में अगर अपन ने कामयाबी हासिल कर दी चाहे मिजोरम हो तेलंगाना हो छत्तीसगढ़ हो मध्य प्रदेश हो राजस्थान हो अगर अपन ने कामयाबी हासिल कर दी तो फिर इस बीजेपी का अंत है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इट। और अगर अपन इतना सब माहौल होने के बाद राहुल गांधी के 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद और हजारों आदमियों लाखों आदमियों के साथ पैदल यात्रा में चलने के बाद भी अगर अपन कांग्रेस को अभी नहीं कामयाब कर सकते तो फिर मैं आपको कहता हूँ अगला चुनाव भी नहीं। ये बीजेपी वाले फासिस्ट लोग हैं जो अशोक गहलोत कहते हैं ये फांसीवादी इनका प्लान यही है। देखो इलेक्शन आता है ईडी को लगा देते हैं सीबीआई को लगा देते हैं इनकम टैक्स को लगा देते हैं इनके बाद दूसरा धंधा ही नहीं। अच्छा
समाज को आपस में खटपट कराने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं, कोई इशू नहीं, कोई बात करने के लिए इनके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए आप सब मेरे से ज्यादा समझदार हो, मेरे से ज्यादा कट्टर कांग्रेसी हो। मैंने बीच में गलतियां भी करी है, वो भी किया है, लेकिन आप सब मेरे से ज्यादा कट्टर कांग्रेसी हो, मेरे से ज्यादा समझदार हो। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मेहरबानी करके कांग्रेस का नाम लेके कांग्रेस को कामयाब करने की कोशिश करो।